हुआ, एक बहुत इल्यूजन क्रिपल मल्टी कलर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं, हाय गाइस, सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप स्मॉल आइज एंड क्लॉसेट आइज पर वर्क करेंगे। क्लॉसेट आइज जो कि एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होती है एंड स्मॉल आइज जो कि काफ़ी छोटी होती है, तो इन आइज को हम किस तरह से बिगर दिखाएंगे एंड कैसे एक दूसरी आइज के बीच में हमें दूरी क्रिएट और करनी है, हमें मेकअप ये दोनों आपको अनुसार एक करना ही वीडियो होता में है कि सीखने जैसे मिलेगा। जैसे वाइट सेट आइज है, स्मॉल आइज है, या फिर आलमंड आई शेप है, या फिर आपके क्लाइंट की बिग आइज़ है, प्रोमिनेंट आइज जो होती है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आई शेप पर मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट वही है जो हमारे क्लाइंट की जो भी कमी है, जो भी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को उभारना और कमियों को छुपाना। तो स्मॉल आइज़ है तो कैसे परफेक्ट ढंग से हम उनको बिल्कुल प्रॉपर शेप में दिखा सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर हम उनको एक नॉर्मल आइज़ की तरह बना सकते हैं, क्योंकि देखिए चेंज कुछ भी नहीं हो सकता है, मतलब जैसा शेप है वही रहेगा, शेप चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन हम थोड़ी सी टेक्निक्स के साथ में थोड़ा इल्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा परफेक्ट ढंग से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट तो हमें देखना है कि स्मॉल आइज़ को हमें पहचानना कैसे है। तो स्मॉल आइज़ जो होती है, देखिए जैसा मैंने वाइट सेट आइज़ में आपको बताया था कि दोनों आँखों के बीच की दूरी वाइट सेट आइज़ में ज़्यादा होती है, मीन्स जो हमारी ये आइज़ की साइज़ है ना, तो ये साइज़ किससे ज़्यादा दूरी यहाँ पर होती है, ये वाली दूरी, तो इट मीन्स आपकी आइज़ वाइट सेट आइज़ है ना। और जब स्मॉल आइज़ कब होती है, जब ये जो आपकी आई साइज है इससे भी कम दूरी हो यहाँ पर, है ना, तब वो हमें पता चल जाता है कि ये स्मॉल आइज है। और जो परफेक्ट जो आलमंड आई शेप होती है उसमें प्रॉपर ये एक आई जितनी ही दूरी होती है दोनों आइज़ के बीच में, है ना। तो स्मॉल आइज़ का आपको पता चल गया कि किस तरह से आपको पता करना है कि हमारे क्लाइंट की स्मॉल आइज़ है। स्मॉल आइज़ में ये दूरी कम होती है, वैसे ही आइज़ की साइज़ भी छोटी हो जाती है, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट जब हम आई मेकअप करेंगे तो हमें स्टार्ट करना है आईब्रोज से, और आईब्रोज के लिए आपको क्या करना है गाइज, आपको आईब्रोज सबसे पहले, जब भी जिनके स्मॉल आइज है तो सबसे पहले तो क्लाइंट को भी देखना है कि जब वो आईब्रोज बनवाए तो उनको अपने पार्लर से बोलना है कि आईब्रोज के जो ये वाला गैप है ना, थोड़ा सा इसको बढ़ा दे। मींस देखिए मैं आपको बताऊं, मेरी आईब्रोज ड्रो हुई हुई है, ये आईब्रोज यहीं से स्टार्ट हो, है ना, ये वाला पार्ट इसका एक्स्ट्रा है, तो ये हेयर्स वो थोड़ा सा यहाँ पर गैप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड उनको क्या करना है, ऊपर से बाल ज़्यादा नहीं निकलवा कर उनको जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ से उनको आईब्रोज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखवाना है, मीन्स ये वाले बाल उनको निकलवा देने हैं। तो उससे क्या होगा, आपको ये स्पेस मिल जाएगा, आपकी बोन हाईलाइट होगी और एक इल्यूज़न क्रिएट होगा। थर्ड जो है, उनको आई शेप हमेशा आर्च शेप में बनवानी चाहिए, ये देखिए इस तरह से आर्च शेप में उनको आईब्रोज अपनी बनवानी चाहिए, शेप को उनको आर्च शेप रखनी है। तो वैसे तो आपके ब्यूटिशियन देखकर बना देंगे, लेकिन अगर फिर भी आप अगर खुद से उनको बता देंगे तो और बेटर रहेगा। ओके, सो हमारी आईब्रोज का डन हो चुका है। अभी देखिए आप, मैंने इस आईब्रो को थोड़ा सा इस तरीके से ही ड्रॉ किया है, तो आप देखिए दोनों आईब्रोज में ही कितना डिफरेंस आ गया है ना। सो इस तरह से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, अब आईब्रोज के बाद में सेकंड आपको क्या करना है, आपको पूरे ऑल ओवर वाइट कलर का कंसीलर आपको यूज़ करना है, वाइट कलर का आई बेस आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ओके, सो देखिए वाइट आई बेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYX का आई शेडो बेस है, जो कि वाइट कलर में है और यही हम अभी यूज़ करने वाले हैं। इसको हमें पूरी आईलिड पर अप्लाई कर देना है इस तरह, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा शिमरी है, तो अगर इस टाइप का आप यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो इसको क्या करना है, देखिए इस तरह से पूरे आपके आईब्रोज के बिल्कुल पास से आपको एक प्रॉपर शेप देते हुए यहाँ से इसको ड्रॉ करना है इस तरह से, एंड पूरी लिड पर आपको ये वाइट आई बेस अप्लाई करना है। आप इस ध्यान रहे, आप स्मॉल आइज पर मेकअप कर रहे हैं तो इनको हमें बिगर दिखाना है, तो इसके लिए हम जो भी इसके लिए अच्छा रहेगा, मतलब जिस तरीके से हमें मेकअप करने से हमारी आईज़ परफेक्ट और बिगर नज़र आए, वैसे प्रोडक्ट हमें यूज़ करने हैं, ठीक है।
सो पूरी आईलिड पर मैंने ये आई बेस अप्लाई कर दिया है और आप दोनों आईज में फ़र्क देख रहे हैं। अभी हमें यूज़ करना है, अभी हम करेंगे आई मेकअप। ओके, सो आईब्रोज़ का मैंने आपको बता दिया। अब आई मेकअप में हमें क्या करना होता है गाइज, आई मेकअप में हमें जो ये इनर कॉर्नर है यहाँ पर हमें लाइट शेड्स यूज़ करने हैं एंड आउटर तक हम थोड़े डार्क शेड यूज़ कर सकते हैं। ओके, हर एक स्टेप को अगर प्रॉपर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आई मेकअप लुक आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल, देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी पिंक शेड। ठीक है, बिल्कुल बेबी पिंक शेड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एंड उससे मैं आईज़ के इनर कॉर्नर पर डिपॉजिट करूँगी। देखिए इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल लाइट शेड मैंने यूज़ किया है, आप देख रहे हैं। एंड जब आगे मैं चाहूँगी, अभी देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा जब भी मैं आई मेकअप करती हूँ मोस्टली सी शेप में आई मेकअप करती हूँ, है ना, यहाँ पर आपको सी शेप में आई मेकअप नहीं करना है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कौन सी शेप में हमें करना है, लेकिन उससे पहले हम मिड में शेड अप्लाई करते हैं एंड मिड में मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा मीडियम कलर। ठीक है, आउटर हमारा बिल्कुल, जो इनर है हमारा वो बिल्कुल लाइट रहेगा। ओके, थोड़ा सा मैंने टिंट ऐड किया है उसमें और मिड में मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा मीडियम शेड है एंड आउटर पर हम थोड़ा सा डार्क पिंक शेड ले लेंगे। एंड इसको हमें कैसे यूज़ करना है, देखिए इस शेप में आप ये तिरछा करके, है ना, मतलब वी शेप भी आप इसको बोल सकते हैं, इस तरह से आपको ये वाला आई शेडो लगाना है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लगाएंगे। ओके, सो आउटर में थोड़ा डार्क शेड हम डाल सकते हैं बट जो इनर कॉर्नर है वहाँ पर बिल्कुल लाइट पिंक शेड आपको यूज़ करना है। ओके, और सी शेप आपको यहाँ नहीं देनी है, यहाँ आप इस तरह से ये मतलब वी शेप भी आप दे सकते हैं, फिर इस तरह से थोड़ा सा तिरछा, है ना। अभी देखिए मैं ले रही हूँ अगेन पिंक शेड, बेबी पिंक, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ कर दिया है एंड अगेन इनर कॉर्नर पर मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ओके, एंड अगेन बेबी पिंक शेड विथ पीच मैंने मिक्स किया है और जो मेरा ऊपर की तरफ जो हमारा क्रीज एरिया है वहाँ पर हम ये वाला शेड देंगे। देखिए इस तरह से ब्लेंड करते हुए ऊपर की तरफ हमें लेकर जाना है। तो इस तरह से क्या होगा, एक इल्यूज़न क्रिएट होगा। देखिए इस तरह से अभी लाइनर हम कैसे अप्लाई करेंगे उससे आपको बहुत फ़र्क दिखेगा दोनों में। तो आपने क्या करना है, आप आँखों की साइज़ तो चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन आप एक मतलब थोड़ा सा इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि आई मेकअप में हम इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा सकते हैं। सो देखिए ये इस तरह से करना है आपको, आउटर कॉर्नर आप थोड़ा डार्क ले सकते हैं एंड इनर कॉर्नर आपको बिल्कुल लाइट रखना है। अब देखिए आईलाइनर के लिए मैं अभी ब्लैक लाइनर यूज़ नहीं करूँगी। आप जब स्मॉल आइज़ पर मेकअप करते हैं तो आप मल्टीपल कलर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी, देखिए ये जो डार्क ब्लू कलर है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। और अब इस पर लाइनर आपको कैसे लगाना है, देखिए इस पर लाइनर आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ इस तरह से उठाते हुए, मतलब थोड़ा सा लिफ्ट करना है विंग को और लिफ्ट करते हुए आपको विंग बनानी है एंड जो विंग है उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। लेकिन आप कनेक्ट करेंगे सिर्फ जो आपके आइज़ का 1/3 पार्ट है वहीं तक। ठीक है, उससे आगे आप बिल्कुल बारीक लाइन ड्रॉ करेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उससे जब ये आइज़ ना ओपन होगी ना तो ये थोड़ी सी बिगर फील होगी। ओके, सो आपको यहाँ पर लगाना है, मल्टीपल कलर हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा हैवी थिक लाइनर आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल बारीक ही लगाना है इनर पर एंड जो आउटर है आपका वहाँ पर आप थोड़ा सा थिक करेंगे एंड 1/3 पार्ट तक, जो आपके लिड का जहाँ पर एंड होता है ना आपके लेंसेस का वहाँ तक आपको इसको थोड़ा सा थिक करना है। ठीक है,
ये देखिए इस तरह से। सो इससे क्या होगा, जब आईज ओपन होगी ना, क्लाइंट आई ओपन करेगा, तो आपकी आईज का लुक थोड़ा सा बिगर आएगा। सो इस तरह से क्रिएट करना है। बाकी इनर पर आप ज़्यादा हैवी, ज़्यादा थिक लाइनर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। सो ये देखिए, ये विंग मैं थोड़ा सा और बढ़ा रही हूँ, और अगर आप इसमें मल्टीपल कलर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए मैंने ब्लू यूज़ किया है। आप और कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। बट थोड़ा सा जैसे आपने आई मेकअप बिल्कुल हमने न्यूड किया है, तो आप लाइनर थोड़ा सा बोल्ड कलर का ले सकते हैं, या फिर आपने आई मेकअप बिल्कुल ब्राइट किया है तो लाइनर आप थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये आई मेकअप, और आईज़ भी देखिए काफ़ी लिफ्टेड लग रही है। अभी हम आ जाते हैं लोअर लैश लाइन पर। अब देखिए ऊपर तो आपने क्या करना है, आप इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा हाइलाइटर यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हाइलाइटर से ये वाली दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। सो इनर कॉर्नर पर हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये आईज़ क्या होगा, थोड़ी सी दूर नज़र आएगी आपकी। सो यहाँ पर हमने यूज़ किया है हाइलाइटर। अब आ जाते हैं लोअर लैश लाइन पर। तो लोअर लैश लाइन पर आपने क्या करना है, देखिए जो भी क्लाइंट के डार्क सर्कल होना उनको आपको अच्छे से हाइड करना है। आप 2-3 टोन लाइटर कंसीलर लेंगे, एंड उनको थोड़ा सा आप त्रिकोण, मतलब इस तरह से जो हम लगाते हैं वैसे आपको अप्लाई करके और अच्छे से ब्लेंड करना है। अच्छे से जो भी डार्क सर्कल हो उनको हाइड करना है, क्योंकि डार्क सर्कल के कारण भी हमारी आईज़ थोड़ी सी स्मॉल लग सकती हैं, इसलिए हमें उनको भी अच्छे से करेक्ट करना है। देन आप कोई भी जो काजल अप्लाई करेंगे वो आप न्यूड या फिर वाइट कलर का अप्लाई करेंगे, बाकी डार्क काजल, जो डार्क हमारा जेल लाइनर होता है, वो आप यूज़ नहीं करेंगे, ओके। एंड ये देखिए जो आपकी वाटर लाइन है इससे थोड़ा सा नीचे अप्लाई करेंगे आप वाइट जेल लाइनर। आप ये देखिए इस पैलेट का ये भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेश पैलेट का, या फिर वाइट जेल लाइनर्स आते हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो इसमें काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इससे आपकी आईज़ थोड़ी सी बिगर नज़र आएगी। लेकिन अगर आप काला जो कोहल आता है, ब्लैक कोहल आते हैं या फिर ब्लैक लाइनर्स आते हैं, वो आप अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उससे आपकी आईज़ छोटी लग सकती है। तो इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी होती है, ओके। अभी लाइनर आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन जो लैशेस है, लैशेस आपको फेक लैशेस लगानी है, एंड उनको पहले आपको कर्ल करना है, और कर्ल करने के बाद में आपको 2 कोट मस्कारा अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप कर्ल करेंगे एंड 2 कोट आप मस्कारा अप्लाई करेंगे। आप चाहे तो जो आपकी अपर वाटर लाइन है वहाँ पर भी आप वाइट काजल अप्लाई कर सकते हैं, तो उससे और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। और इन लैशेस को कर्ल ज़रूर करना है, और कर्ल करने के बाद में आप इनको 2 टाइम मस्कारा से कोट दे सकते हैं, एंड जो बॉटम लैश है वहाँ आपको 1 टाइम मस्कारा लगाना है। और गाइज अगर ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे ना, और ये वाले टिप्स फॉलो करके अगर स्मॉल आइज़ पर मेकअप करेंगे तो आपकी स्मॉल आइज़ काफ़ी बिगर दिखेगी। देखिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये प्रोमिनेंट होना चाहिए स्मॉल आइज़ में, तो उससे क्या होगा, आपकी आइज़ थोड़ी सी बिग नज़र आएगी। तो आपको ब्रो बोन भी हाईलाइट कर देनी है, और हमने कंसीलर भी आपको पता है कौन सा यूज़ किया है, और आप वही जो बेस था उससे आप यहाँ पर भी थोड़ा सा हाइलाइटिंग कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। सो देखिए गाइस कैसा लग रहा है आपको ये मेकअप। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा और शिमर अप्लाई कर देती हूँ तो थोड़ा सा और अच्छा लुक आ जाएगा। देखिए हम लेंगे ये रोज़ गोल्ड कलर है, एंड इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए इनर कॉर्नर पर बिल्कुल लाइट वर्क करना है आपको, ठीक है। अभी आप आउटर को अगर थोड़ा डार्क और करना चाहते हैं तो आप डार्क कर सकते हैं। ये देखिए ओके।
सो गाइस, कैसा लगा आपको ये आई मेकअप लुक? और आई थिंक काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको इस वीडियो में मिले हैं स्मॉल आइज से रिलेटेड। तो स्मॉल आइज पर मेकअप करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक अब नहीं होगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके